जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी को लेकर, यूपीएसआई दरोगा भर्ती को लेकर और यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, ये तीनों ही डाउटफुल चीज़ें हैं, डाउटफुल वैकेंसी हैं जो हमेशा आपके दिमाग में रहती हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है वो कब तक आएगी। आपके मन में बहुत ज़्यादा ये ख्याल रहता है, 2022 से आप सुनते आ रहे हैं कि भर्ती आ रही है, प्रचलन में है, ये सब कुछ ही तो सुनते आ रहे हैं आप। तो देखो, जैसा कि टेंडर कंप्लीट हुआ नहीं था आपका, तो सरकार ने मांगा था 3 महीने का समय मांगा था ना, जिसमें आपका 1 माह बीत चुका है, 2 महीने आप देख लीजिए। और मैं बिल्कुल इतना कहती हूँ, भले ही ये 2 महीने बाद आए नहीं आए, भर्ती आपकी आपको 2023 में देखने को मिल जाएगी, चाहे वो सितंबर हो, अक्टूबर हो, जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो। ठीक है, समझ गए, भर्ती आपकी 2023 में आपको देखने को अवश्य मिलेगी। ठीक है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, इलेक्शन की वजह से ये भर्ती आपकी बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। 2024 में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, सारे काम आपके 2024 में हो जाएंगे, फिजिकल, मेडिकल और ज्वाइनिंग वगैरह आपको 2024 में मिल जाएगी। ठीक है, तो तैयारी में लगे रहिए, तैयारी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था कि बहुत सारी न्यूज़ थी, उसमें भी देखा था कि मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा, टेंटेटिव था। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि मार्च में होगा। ठीक है, अगर आप इसकी तैयारी में लगे हैं, नहीं कर रहे, कुछ लोग इस पर ही डिपेंड हैं, सोच रहे हैं कि आगे हम किस चीज़ की तैयारी करें, इसका तो कोई भरोसा नहीं है, तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर कोई भी फॉर्म फिल किया गया है तो उसका एग्ज़ाम अवश्य होगा। ठीक है, समझ गए ना, तो इसका एग्ज़ाम होगा, देर में होगा, लेट होगा, लेकिन होगा। ठीक है, समझ गए ना, कम से कम 5 से 6 महीने डिले मुझे लग रहा है, ये मेरी तरफ से लग रहा है, क्योंकि मार्च में तो नहीं हो रहा, सितंबर से चला आ रहा है कि हो रहा है, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ। तो 5 से 6 महीने और मान लीजिए, तो आपके पास समय है काफ़ी अच्छा, जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है वो इसकी तैयारी में लग सकते हैं। ठीक है, मिशन वर्दी चैनल कराएगा तैयारी। हाँ बिल्कुल, मिशन वर्दी चैनल आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कराएगा, 100% कराएगा। ठीक है, क्योंकि यूपी जीके आपकी चल रही है, यूपी जीके आपकी बहुत जल्द फिनिश होने वाली है और फिर जियोग्राफी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर आपकी जियोग्राफी स्टार्ट हो जाएगी, समझ गए ना। मिशन वर्दी चैनल पे यूपी जीके की क्लास आपकी बहुत जल्दी फिनिश होने वाली हैं सारी क्लासेस, और फिर आपकी जियोग्राफी स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे आपके ये सब कुछ चलते रहेंगे और आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म आ जाएंगे तो हमारे चैनल पे और भी टीचर्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, मिशन वर्दी चैनल आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचा के मानेगा। बस आपको प्रॉमिस करना होगा कि आपको अच्छे तरीके से मेहनत करनी है। ठीक है, समझ गए ना। कुछ लोग कहते हैं तैयारी करें नहीं करें, हम डिमोटिवेट हो गए। भाई तैयारी आपको करनी है, सिलेक्शन आपको लेना है, तो तैयारी क्या मैं करूँगी, बताइए, ये बात मत सोचना। ठीक है, तैयारी करें नहीं करें, भाई अगर मुझे भूख लग रही है तो मैं ही तो खाऊंगी कि मतलब मेरे बदले का कोई और खा लेगा, ऐसा नहीं होता। अगर मुझे सिलेक्शन चाहिए तो मैं पढ़ूंगी, अगर मुझे मतलब कोई काम करना है तो वो मेरे द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, तो तैयारी आपको करनी है, इस लेवल की करनी है कि जब भी आपके फॉर्म आए तो आप एक सीट पा जाएं। ठीक है, समझ गए ना, अब कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2023 में आपको आपकी वैकेंसी देखने को अवश्य मिलेगी। ठीक है, और यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के पास बहुत अच्छा समय है, बहुत कम कैंडिडेटों ने फॉर्म फिल किया है, अगर मेहनत करोगे तो एक सीट पक्की है आपकी। ठीक है, समझ गए ना, मिशन वर्दी चैनल आपकी पूरी तैयारी कराएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है,
वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।